पाकिस्तान आने वाला साइकिल सवार जर्मन सयाह लुट गया। वो लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ कैंपिंग कर रहा था कि दो मुसल्ला अफराद मोबाइल फोन नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा लेकर फरार हो गए। I was woken up by two guys which suddenly stand in front of my tent and they just stared at me and said cash and this guy was just faster and he catched me and it's like this। अब आपको तो लॉरियों का पता ही है, लॉरियों क्या मतलब, ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है होने का, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर ये हुआ कि इनको उठाया गया। जर्मन सयाह बर्क फ्लोराइन साइकिल पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की सैर के बाद बागों के शहर लाहौर पहुंचा तो एयरपोर्ट के करीब कैंप लगा लिया। इसी दौरान दो बेरहम डाकुओं ने उसे घेर लिया। जब मौलवी छा जाए और दिमाग में, जब मौलवी छा जाए दिमाग में और मौलवियत का रूल हो तो फिर ऐसे ही हो। उन्होंने पहले तो सारा वाकया बताया, बहुत परेशान थे, इसको काफी चोटें वगैरह लगी हुई थी। डाकुओं ने जर्मन सयाह पर तशद्दुद भी किया है। जर्मन सयाह बर्ग फ्लोराइन ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। पुलिस ने बर्ग फ्लोराइन की मदयत में दो नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जर्मन सयाह के साथ जो है वारदात आज सुबह जो है वो शुमाली छोनी के इलाके में रिंग रोड के करीब पेश आई। उधर इंडियंस देखे फ्रांस में सिक्योरिटी दे रहे हैं, फ्रांस में सिक्योरिटी दे रहे हैं ओलंपिक्स को, सिक्योरिटी ये है ताल्लुक उन्होंने अपना यूरोप के साथ बना लिया। अब ये बेचारे इनकी जो है वो फुटेजेस भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि ये रो रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये है कि जी हम ढूंढ रहे हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, ये तो सब जानते ही, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है, वो भी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को तो वैसे भी कोई काम काज नहीं आता, उनको तो वैसे भी ना आज तक किसी को पकड़ा गया और ना ही सजा दी गई। बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो एक जर्मन के साथ पेश आया पाकिस्तान में, और वो बेचारे जो है सीधी सादी जिंदगी उनकी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है हर जगह लाहौर में, बल्कि बारिश वारिश भी काफी ज्यादा है फिर भी गर्मी है, और इस इतने सख्त मौसम में वो बेचारे जो है साइकिल से पाकिस्तान पहुंचे और लाहौर में कैंप लगाकर सो रहे थे और उनको उठाकर उनसे मोबाइल और सारी चीजें, उनके पैसे वैसे कैश सब कुछ ले लिया गया और मेरे ख्याल कैंप छोड़ दिया गया, कैंप भी ले गए या पता नहीं कैंप उधर ही है। तो ये हुआ है जी इनके साथ। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत बहुत एरियाज ऐसे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं, जी हाँ ये है जो हमारी टूरिज्म प्रोमोट हो रही है, ये तो शुक्र करें कि ये TLP या कोई TTP या कोई ये पी वो पी वो पी के हफ्ते नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया, वरना तो आपको पता ही है क्या पता कलमा ही पढ़ा देते और फिर पता लगता है कि ये भी तबलीग करनी शुरू कर देते, दो दिन बाद पता लगता है कि जी जर्मनी से आए तो थे लेकिन अब जा ये सऊदी अरब रहे। मगर खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन भारत बड़े अफसोस की बात है और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है।